हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हमको पता है कि अभी 26 जुलाई को फिर से सावन की शिवरात्रि आने वाली है। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा इस बार भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा और पूजन अभिषेक सब रात को 7 से 8 बजे आस्था चैनल यूट्यूब एंड फेसबुक इन सब पर सोशल मीडिया पर आने वाला है। तो उसी के बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन दूंगी कि हमें उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, पूजन के लिए, अभिषेक के लिए उसके रूल्स क्या क्या है, उसकी मेन टिप्स क्या क्या है, इन सब चीज़ों की, यही सब। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, सब इसी वीडियो में है तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड उसके बाद भी सबसे मेन काम बचा है यही कि ऐसे ही हेल्पफुल ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हमें अभिषेक के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो आइए देखते हैं। हमें चाहिए गाय का कच्चा दूध, दही, घी, ये भी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, शक्कर, शहद, इत्र, चंदन, 3 सुपारी, रोली, मोली, चावल, धूप, कपूर, 2 मिट्टी के दीपक, जनेऊ और गंगाजल, ये सब हमें चाहिए। गाइस, अब आते हैं पूजन की सामग्री पर। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं के 21 दाने, कलगट्टे 5, साबुत चावल 108 मतलब खड़े चावल, काली मिर्ची 21, काले तिल 1 चुटकी, 1 धतूरा, 7 बिलपत्र, 7 शमीपत्र और गुलाब के फूल 7। गाइस, ट्राई करना कि आपको गुलाब के फूल ही मिले। अगर आपको नहीं मिले तो फिर आप आंकड़े के फूल भी चढ़ा सकते हो। शिव पुराण के अनुसार आंकड़े के फूल का भी बहुत महत्व बताया गया है। और अगर आपको गुलाब के 7 फूल ना मिले तो आप उसकी एक एक पंखुड़ी भी मतलब एक एक पत्ती भी चढ़ा सकते हैं। गाइस, अब आते हैं आज के सबसे मेन टिप्स एंड सीक्रेट बातों पर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, हर टाइप के मतलब हर कैटेगरी के यहाँ पर हेल्पफुल ब्लॉग्स बने हुए हैं, मिले हैं आपको। तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं एंड पूरे चैनल की वीडियोस को भी देख सकते हैं, शिवजी के इवन फोटोशूट पोजेस, सब टाइप के हेल्पफुल ब्लॉग्स इस चैनल पर अवेलेबल है। तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ एक मोटिवेशनल कमेंट ड्रॉप करो जिससे मैं इसी तरह डेली हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूं। तो फाइनली गाइस, आते हैं हमारे मेन टिप्स के पार्ट पर। अगर हमें कोई भी मिट्टी ना मिले तो हम ब्लैक वाली मिट्टी भी ले सकते हैं, काली मिट्टी, जो चाहे हमारे घर के गमले में भी क्यों नहीं हो। ऑनलाइन पूजा होगी 7 से 8 बजे, आप उसके पहले ही शिवलिंग का निर्माण करके रख लें। पार्वती जी ने शिव जी को अपनाने के लिए जैसे प्रार्थना करी थी, आप भी इसी तरह की मन में आस्था और भावना रखें और इसी तरह से शिवलिंग के निर्माण में जुटे रहें। तो अब फाइनली एक मेन टिप्स पर आ ही जाते हैं, किन्हें कौन सी मिट्टी लेनी है हम इस बारे में बात करेंगे आज। तो ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी से निर्माण करना है, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीली और शूद्र को काली, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और पूजन अभिषेक करते टाइम पर एक जने पूजन करें और बाकी जने सब उन्हें हाथ लगाएं, यानी कि उनका साथ दें। बस गाइस, यही थी आज की मेन वीडियो। जल्दी से कमेंट करके बताना कैसी लगी, हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भोलेनाथ जी की भी और सभी तरह की हेल्पफुल वीडियोस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और भोलेनाथ से रिलेटेड सभी चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ चेक करो। मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।